मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम DPS के पाथवे, बैक साइड जो पाथवे है वहाँ पर वॉक कर रहे हैं। ये थोड़ा सेक्लूडेड एरिया है, अंदर अंदर एकदम फॉरेस्ट जैसा फील होता है कि हम वी आर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। और आप सुन सकते हैं कितनी प्यारी कोयल बोल रही है। सुबह सुबह कोयल की आवाज़ सुनना तो ओहो, एकदम दिन मधुर बन जाता है। और साथ में कौआ भी उसके सुर में सुर मिला रहा है। तो आज आप लोग बर्ड्स की आवाज़ एंजॉय कीजिए। इस एरिया में इतनी तरह की बर्ड्स हैं पर हम उनको स्पॉट नहीं कर पाते, काफ़ी डेंस है और ट्रीज़ हैं, यहाँ मैंग्रोव्स नहीं है, ट्रीज़ हैं और छुप छुप के आवाज़ करती रहती हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए अभी तो कोयल की आवाज़ आई थी। कौन कौन से बर्ड्स की आवाज़ जानते हैं? कोयल, तोते और कौए, एक वुडपेकर और एक छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत छोटी फिंगर साइज की चिड़िया होती है, वो इधर से उधर फुदकती रहती है। उसकी भी आवाज़ बहुत प्यारी रहती है, छोटा छोटा सॉफ्ट सॉफ्ट बोलती है, फास्ट भागती है, बहुत फास्ट भागती है। उसको मैं कई बार सोचती हूँ कि कभी मिल जाए तो मैं उसको कैमरे में कैप्चर करूँ, बट वो नज़र हाथ से फुर्र से निकल जाती है। तो बस एक लुभावना दे करके, छोटा सा कुछ बोल करके ये चली जाती हैं। फिर इनको ये लगता है कि भाई, पता नहीं शर्मीली सी होती है क्या होता है कि हमेशा पेड़ों में छुपी रहेगी। एकदम कौए से भी काली होती है, पूरी काली होती है, लेकिन आवाज़ इतनी प्यारी, तो अपने रूप पर क्यों इतना शर्मिंदा होना। भगवान ने इतनी सुंदर आवाज़ दी है, इतनी सुंदर आवाज़, कहीं नज़र ना लग जाए इसलिए वो काला रंग भी दे दिया उसको, पर फिर भी पेड़ों में छुपी रहती है। मैं कोशिश करती हूँ उसको आवाज़ लगा के बुलाने की, यदि नहीं दिखेगी तो शायद उसकी आवाज़ थोड़ा सा सुनाई देगी और ज़ोर से पुकारेगी। कहीं पर कोयल भी छुपी है, वो अपना छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में आवाज़ कर रही है। और ये दो कौन से पक्षी हैं जो समझ में नहीं आ रहे, नज़र भी नहीं आ रहे हैं, पर इसी पेड़ में हैं। सारी बर्ड्स इतना मिक्स साउंड्स में बोलती है ना, एक साथ सारे के सारे पक्षी बोलते रहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है। मिट्टू, मेरे पास भी था एक पैरट छोटे में बचपन में, मैं तो उसको बोलती थी मी, तो बोलता था टू, मिट्टू। तो मराठी भी बोलते थे हम। एक और अलग सी आवाज शामिल हुई है कुछ ऐसी, पर वो कोयल नहीं है, है ना, ये लगता है सीटी मार रही है। इन बर्ड्स को हम पिक्स तो वगैरह तो ले लेते हैं, खींच लेते हैं, दिखा देते हैं, बट इनकी वॉइस, इनकी आवाज नहीं सुन पाते ना पिक्स में। अब और ये भी बात है कि वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं ऑडिशन देने आई हूँ, देखो मेरी आवाज़ सुनो, मेरी पिक खींचो। समझ गई होगी कि नकली आवाज़ है। अभी सुबह सुबह कैसी आवाज़ निकलेगी, सुबह सुबह तो मेरा भी गला बैठा रहता है, मैं जब बोलती भी हूँ ना तो एकदम फटी फटी सी आवाज़ निकलती है, जब तक गरम नहीं दिया। पास में आई, देखा, अभी आजकल तो म्यूज़िक को भी फेक और ऑटो ट्यून करके बनाया जाने लगा है। म्यूज़िक में भी ऑटो ट्यून लाते हैं और उसको आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होती है, या गायकी उतनी अच्छी नहीं होती है, सुर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें रियाज करने की बजाय हम उसको ट्यूनिंग करते हैं, उसको और अच्छा मशीन्स के थ्रू बनाते हैं। अभी हमने देखा ये कोयल, देखो उसको अभी वो सुरों की अभी उसकी रियाज चल रही है, है ना, लेकिन वो पूरा गाना भी सिर्फ सरगम में टुकड़ों में गा रही थी, बोल रही थी, अब उसको जब गीत गाएगी
तो वो उसका अपना एक मौसम है, जब वो तैयार हो जाएगी तो वो गीत सुनाएगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी आवाज़ वो निकल नहीं रही है, गा नहीं पा रही है तो भी वो ज़बरदस्ती करे, ना। तो अपने गले के साथ भी मजाक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, रियाज करो, गला तैयार करो, और जब लगे कि हाँ अब हम परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर उतरना चाहिए। मैंने कोयल की आवाज़ को इमिटेट किया, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो कोयल नहीं बन सकती हूँ, कोयल कोयल ही रहेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने जैसा दिया है, जो दिया है, उसको यदि हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, रियाज के थ्रू या हार्ड वर्क के थ्रू, तो उसको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ओके, और आर्टिफिशियल से तो कभी भी नेचुरली अच्छा होता है। सो बी नेचुरल।